कई पार्टी जो है वोट कटवा का काम कर रहा है, ऐसा ऐसा पार्टी जिसका खाता नहीं खोला, मान लो खाता खोलेगा भी तो बीजेपी कब खरीद लेगा उसका एमएलए, खरीदेगा नहीं तो उठा ले बच्चा क्या है, तो उसमें बट के कोई फायदा नहीं है भाई। और बताओ एक साल में 2 करोड़ रोजगार दिला था, हम तो बता रहे हैं हम कैसे 10 लाख रोजगार देंगे, कैसे 10 लाख देंगे, 4.5 लाख नौकरियां रिक्त पड़ी है, 5.5 लाख राज पार्षद के सभी मानकों को मानते हुए जब चाहे लेकिन ये लोग झन झन झगड़ा अगर करेगा तो ये चक्कर से सब करिएगा। हाँ अगर हमसे कोई भूल चूक अगर हुई होगी, ये छोटी बात है, इसको अपना माफ कीजिए और ऊपर देखने का काम कीजिए, ऊपर देखिए। सब लोग देखो भाई बिना कुर्बानी के कोई लाभ नहीं होता है, सही बात है। एक कुछ अच्छा होना होता है तो बिना कुर्बानी के होता है क्या बताइए, क्या करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है। अरे भैया हमारा जब सरकार बनाएगा तो हमारी ना जिम्मेदारी सब है, वो तो मेरी जिम्मेदारी होगी, लेकिन विपक्ष में लगे थे क्या करेगा, विपक्ष में रह करके लड़ना सबका है चुनाव, लेकिन टिकटवा तो है ना, किसी को पसंद होगा किसी को ना पसंद होगा, सबको अगर पसंद नहीं है, अगर थोड़ी मोड़ी नाराजगी भी अगर कोई है तो छोटी बात, हम तो 12 करोड़ जनता को ना देते हैं, ऊपर देख रहा अपना रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए तो मंजू जी को वोट कौन देना पड़ेगा, मंजू जी को वोट दीजिएगा तब ना हम बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो याद करो कोई जिला सिक्का हो दूर करो, हम लोग जोड़ने वाले लोग हैं, तोड़ते नहीं है, कुछ लोग तोड़ने का काम करेंगे, कुछ लोग आएंगे बहकाएंगे, फलना हो गया, अरे ऐसा हो गया आज तक नहीं हुआ, कुछ हमारी बुराई करेंगे, हमारी शिकायत करेंगे। मेरा मकसद है भाजपा को घुसने नहीं देना, बात समझिए, अरे भरोसा तो करो, महागठबंधन बनाओ तो विश्वासघाती हो ना गया, नीतीश जी धोखा दे ना दिए, अब हमने जो गठबंधन बनाया कांग्रेस पार्टी लेफ्ट पार्टी और आरजेडी, एक बार में यही ना पार्टी है जो भाजपा से आज तक हाथ नहीं मिलाया और झुके नहीं और लड़ रहे, और कुछ कुछ लोग आएगा छोटा छोटा दुकान खोल ले है, चला रहा है इसको दे दो दाल चावल देंगे, अरे रोजगार मिलेगा तो अपने खरीद लेंगे और सरकारी नौकरी मिलेगी, ये मेरा गारंटी है, हमने संकल्प किया है, हमने कलश बैठाया है, झंझट झगड़ा मत कीजिएगा, हम लोग को रोजगार क्यों नहीं मिलता है क्योंकि हम लोग झगड़े में रह जाते हैं, आपसी झगड़े में, जात पात की लड़ाई में रह जाते हैं, धर्म की लड़ाई में रह जाते हैं, पेट भरने वाला है, उससे पेट भरने वाला नहीं, ये देश सबो का देश, इस देश की आजादी में चाहे हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो सबका खून बहा है, मांग रहा है बिहार कि भैया हमको विशेष पैकेज दीजिए, स्पेशल राज का दर्जा दीजिए, रोजगार दीजिए, मेरा किसानों का आय दुगना कैसे होगा।